जी, तो हमने क्रोनिक रिनाइटिस स्टार्ट किया था। क्रोनिक रिनाइटिस में बात क्रोनिक सिंपल रिनाइटिस की कर रहे थे। इसमें हिस्ट्री देख ली थी। हिस्ट्री में क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में वो बताएंगे कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल डिस्चार्ज है, नेजल डिस्चार्ज इंटीरियर भी होता है और पोस्टीरियर नेजल ड्रिप भी होता है। इसके अलावा हेडेक की हिस्ट्री मिल सकती है। जब आप एग्जामिनेशन करोगे ना, एग्जामिनेशन में आप इंटीरियर इनोस्कोपी करोगे, इंटीरियर राइनोस्कोपी करोगे, तो आपको सबसे पहले तो टर्बिनेट स्वोलन मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है क्रोनिक सिंपल रिनाइटिस का, कि स्वोलन टर्बिनेट्स होते हैं। और ये जो स्वोलन टर्बिनेट्स होते हैं, जब हम इनको इन पे प्रेशर डालते हैं प्रोब से, तो इनकी पिटिंग होती है, ठीक है, डिप्रेशन इनमें बनता है। और जब हम इन पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टेड ड्रॉप्स डालते हैं, तो ये श्रिंक हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन हमने मेंशन कर देना है। अब आ जाए ट्रीटमेंट की तरफ। इसको ट्रीट कैसे करना होता है, तो इसके कॉज को ट्रीट करना है। लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस बताई थी, लाइक टॉन्सिलाइटिस है, या कोई भी एडिनोइड्स का इन्फेक्शन है जो कि परसिस्टेंट है, या क्रोनिक इरिटेशन हो रही है इन्वायरमेंट में, कोई डस्ट है, कोई स्मोक है, कोई पोल्यूशन है, या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या वैसोमोटर रिनाइटिस है। इनमें से बहुत सारी जो भी प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस की हमने बात की थी, पहले हमने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। वो ट्रीट होगा तो फिर बाद में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन। उसके अलावा नेजल इरीगेशन करनी है नॉर्मल सेलिन से। जब भी पैरानेजल का इन्फेक्शन हो या नेजल का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, वहां पर हम नेजल इरीगेशन जरूर करते हैं। ये चीज़ आप पैरानेजल वाले चैप्टर्स में भी देख चुकी हो। नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करने, एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, ठीक है। तो रिनाइटस हो या रिनोसाइनोसाइटिस हो, ट्रीटमेंट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। अब हाइपरट्रोफिक रिनाइटस की तरफ आ जाए। हाइपरट्रोफिक रिनाइटस में क्या होगा कि टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी हो जानी है, जो म्यूकस ग्लैंड है उनकी भी हाइपरट्रोफी हो जानी है, पेरिओस्टियम की भी, मतलब हर चीज की थिकनिंग हो जानी है, हाइपरट्रोफी हो जानी है, तो उसको कहते हैं हाइपरट्रोफिक रिनाइटस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें म्यूकोजा की थिकनिंग होगी, सब म्यूकोजा की थिकनिंग होगी, ग्लैंड की, पेरिओस्टियम की, बोन की, सबकी थिकनिंग हो जाएगी। और सबसे ज्यादा चेंजेस टर्बिनेट्स में आएंगे। एटियोलॉजिस्ट की क्या है कि अगर रिकरेंट नेजल इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्रोनिक साइनोसाइटिस है, क्रोनिक इरिटेशन है, तो तकरीबन इसकी भी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस जो है वो क्रोनिक सिंपल रिनाइटिस जैसी ही हैं, वही कंडीशंस है। सिम्टम इसके क्या आएंगे, इसका एक ही प्रेडोमिनेंट सिम्टम ज्यादातर मिल रहा होता है, वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज भी होगा, इसमें नेजल डिस्चार्ज ठीक होगा, स्टिकी होगा, और सेम वही सिम्टम्स है, हैवीनेस, हेडेक और एनोसमिया, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, आपके आपके पास पेशेंट आया, उसने आपके आके आपको बताया कि भाई मुझे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और नेजल डिस्चार्ज है, और आपने उसकी हिस्ट्री वगैरह लिया, तो आपको पता चलता है कि इसको टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन था, क्रोनिक था, काफी देर से था। इस तरह से आपने हिस्ट्री ली, आपका डायग्नोसिस बन गया, आपका डीडी बन गया कि ये मुझे क्रोनिक रिनाइटिस लग रहा है। लेकिन अब आपको कन्फर्म नहीं कि क्रोनिक सिंपल रिनाइटिस है या क्रोनिक हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस, तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन करते हो, इंटीरियर राइनोस्कोपी करते हो। इंटीरियर राइनोस्कोपी में सबसे पहले आप टर्बिनेट्स देखते हो, टर्बिनेट्स की हाइपर ट्रोफी आपको मिलेगी इन द केस ऑफ हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस। उसके बाद आप प्रोब यूज करते हो, तो ये क्योंकि हाइपरट्रोफी हो चुकी है, तो इट डजंट पीट ऑन प्रेशर, ठीक है। उसके बाद वैसे वो स्ट्रक्चर्ड ड्रग यूज करते हो, ड्रॉप यूज करते हो, तो ये श्रिंकेज भी नहीं करता, बहुत लिटल श्रिंकेज होता है। फिर आपका कंफर्म हो जाता है कि ये हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस है। साइन सिम्टम से या हिस्ट्री से कंफर्म नहीं होगा, एग्जामिनेशन से कंफर्म होता है, ठीक है। सॉरी, साइन से कंफर्म होता है, सिम्टम से कंफर्म नहीं होगा, तो एग्जामिनेशन पे ये कंफर्मेशन होती है। चलिए, मैक्सिमम चेंजेस जो है वो इंफीरियर टर्बिनेट में आते हैं। एक ना पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, एक दफा उन्होंने कहा था हमें बताएं इंफीरियर टर्बिनेट कैसा हो जाता है जब हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस होता है। तो इंफीरियर टर्बिनेट में मैक्सिमम चेंजेस आते हैं, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है और ये हमें मलबरी अपेयरेंस देता है, ऐसे नजर आता है जैसे मलबरी हो, ठीक है, इतनी ज्यादा इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो साइंस हमने इसके सारे देख लिए। इसको ट्रीट अप कैसे करना है, सबसे पहले तो वही चीजें हैं कि जो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है ना, उसको ट्रीट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टर्बिनेट का साइज आपको खुद से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसमें डीकंजेस्टेंट वगैरह देने से इसका साइज रिड्यूस नहीं होगा, आपको या कॉटराइजेशन करनी पड़ेगी या डायाथर्मी या क्रायो सर्जरी, ठीक है। इस तरह से आपने टर्बिनेट का साइज रिड्यूस करना है ताकि जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो। टर्बिनेक्टमी भी की जा सकती है, पार्शियल या टोटल टर्बिनेक्टमी। उसके अलावा सब म्यूकस रिसेक्शन भी कर सकते हैं टर्बिनेट बोन की, और लेजर कोबलेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है या क्रायो सर्जरी है, ये ओपीडी के प्रोसीजर्स हैं, लेजर जो है ये ओटी प्रोसीजर है। इस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स हम टर्बिनेट्स को वहां से हमने रिमूव करना है किसी भी तरह, ताकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो, नेजल डिस्चार्ज खत्म हो, सही हो गया। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद कंपनसेटरी में कुछ भी नहीं है, सिंपली उसने बताया कि जब नेजल डेविएशन हो जाती है, तो जिस साइड पे लाइट अगर राइट साइड पे डेविएट कर गया, तो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेजल कैविटी वाइड हो जाती है, तो वहां पर कंपनसेटरी फिर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद एट्रोफिक रिनाइटिस की बात करते हैं। एट्रोफिक रिनाइटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि एट्रोफिक रिनाइटिस में से आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना नेजल म्यूकोजा की एट्रोफी होती है, हाइपरट्रोफी हो रही थी, इधर थिकनिंग हो रही थी, और यहां पर क्या हो रही है, एट्रोफी हो रही है टर्बिनेट बोन्स की भी और नेजल म्यूकोजा की भी, ठीक है, एट्रोफी हो रही है। अब उसके बाद जब एट्रोफी होगी, तो इस वजह से क्या होगा कि जो नेजल कैविटीज है वो रूमी हो जाएंगी, उनमें बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगी, उनमें फाउल स्मेलिंग क्रस्ट भी बनेंगे। जैसे वो रूमी होती है, उनमें स्पेस ज्यादा बनती है, तो उनका आप जाहिर बात है
टर्बिनेट्स वहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो म्यूकोजा वहाँ पे खत्म हो गया, तो अब वो जो एयर आ रही है उसका बहुत ज्यादा एक्सपोयर हो रहा है म्यूकोजा के साथ, नेजल म्यूकोजा के साथ। अब एयर की एक्सपोयर की वजह से ना वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, क्रस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ये क्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या करा देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करा देंगे। तो एट्रोफिक रिनाइटिस में भी आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम मिलेगा, लेकिन ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन किसी टर्बिनेट की वजह से नहीं है बल्कि क्रस्ट फॉर्मेशन की वजह से। अब जो प्राइमरी एट्रोफिक रिनाइटिस है इसके पेपर में बाजू का जो है वो एटियोलॉजी पूछ लेते हैं, तो उन्होंने इसका निमोनिक बनाया, हर्निया निमोनिक है, जिससे आपने याद रखना है एच से हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं, ई से एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस अगर हैं किसी पेशेंट को, रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, यूजली विटामिन ए की डी की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी या कोई भी और डायट्री फैक्टर की डेफिशिएंसी से भी एट्रोफिक रिनाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टिव में हमारे पास जो है वो इन्फेक्टिव एजेंट आ जाते हैं जैसे क्लैबसिला प्रोटियस ईकोलाई। ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं ईएनटी कंप्लीट करें ना मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे आपको सिर्फ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स बताऊंगी क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यूज में आते हैं। उसके बाद हर्निया में आई तक हमने कर लिया, अब ए रह गया, ए से आ जाता है ऑटो इम्यून प्रोसेस, ये सारी होगी इसकी एटियोलॉजी। अब आपने ये चीज नोटिस करनी है कि इसकी एटियोलॉजी वो डिफरेंट है, वो जो हमने हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस या सिंपल रिनाइटिस पढ़ा था ना उनकी एटियोलॉजी यही थी कि कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन था, रिकरेंट इन्फेक्शन था या कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन थी। ठीक है, लेकिन इसमें हमें हेरिडिटरी फैक्टर्स भी मिल रहे हैं, इसमें एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, तो इसमें सिस्टेमिक कॉजेज भी हैं, इवन ऑटो इम्यून प्रोसेस भी हो सकता है। इसकी पैथोलॉजी केस में होगा कि जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम है ना वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है, टोटली रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये लाइन कर रही होती है, लेकिन जब नोज में एट्रोफी स्टार्ट हुई है तो जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम है वो खत्म हो जाएगी वहां से और उसकी जगह पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम आ जाएगी। इसके अलावा जो सीरोम्यूसिनस ग्लैंड है उनकी भी एट्रोफी हो जाएगी, जो ब्लड साइनोसाइड है उनकी एट्रोफी हो जाएगी, जो नर्व एलिमेंट है उनकी भी एट्रोफी हो जाएगी। अच्छा, ये अब नर्व की भी एट्रोफी हो रही है, ब्लड साइनोसाइड की भी एट्रोफी हो रही है, हर चीज की एट्रोफी हो रही है, इस वजह से एनोसमिया भी हो जाएगा, जो स्मेल सेंसेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो आर्टरीज हैं, जो पेरिओस्टियम है, जो बोन है, इन सब में एंड आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगा, जो बोन है उसकी भी रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, मतलब हर चीज ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, पैरानिजल साइनसिस भी स्मॉल हो जाएंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें एट्रोफिक रिनाइटिस में आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले इसमें जो पेशेंट आके आपको बताएगा ना वो फाउल स्मेल डिस्चार्ज का बताता है, नोज से जो डिस्चार्ज हो रहा होता है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, लेकिन पेशेंट को उसकी स्मेल नहीं आएगी क्योंकि पेशेंट को एनोसमिया हो चुका है, मार्क्ड एनोसमिया, क्योंकि जब एट्रोफी हो रही थी तो उसकी नर्व्स का भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो उसको मार्क्ड एनोसमिया, इसको मर्सीफुल एनोसमिया भी कहते हैं क्योंकि उसको इतना फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है लेकिन उसको उसकी स्मेल नहीं आएगी, सही है, उसको दूसरे लोगों को आएगी। उसके बाद इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वो कंप्लेन करेगा कि मेरा नाक बंद है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसा क्यों, क्योंकि नेजल चैम्बर हमने कहा रूमी हो गए हैं, वाइड हो गए हैं, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा क्रस्टिंग है इस वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको पैराडॉक्सिकल, तो पहला था मर्सीफुल एनोसमिया, दूसरा इसमें पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। अब उसके बाद वो बता रहा है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की एक और रीजन भी है कि इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए थे सेंसरी नर्व ऑफ द नेजल म्यूकोजा में, तो जो आपका नेजल म्यूकोजा है ना उसकी जो सेंसरी नर्व में वैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, तो वो एयर फ्लो को सेंस ही नहीं कर रही, मतलब उसको ये फील, उसमें से एयर गुजर रही है उसके नोज में से, लेकिन उसको ये फील नहीं आ रही कि मेरे नोज से एयर गुजर रही है, उसको फील यही आ रही है कि मेरा नाक बंद है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों, क्योंकि जो उसकी नर्व थी ना, जो सेंसरी नर्व थी उनका डैमेज हो चुका है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। क्रस्ट अंदर बन चुकी है, जब हम क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो एपिस्टैक्सिस होगी, तो एपिस्टैक्सिस का भी आपको सिम्टम मिल सकते हैं, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, उसके अलावा लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और उसके बाद क्या है, एपिस्टैक्सिस। अब आज एग्जामिनेशन की तरफ, यहां तक सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना सबसे पहले हमें नेजल कैविटी नजर आएगी जिसमें फुल ऑफ ग्रीनिश और ग्रेश ब्लैक ड्राई क्रस्ट होंगे, तो इसमें इतने ज्यादा क्रस्ट बने होंगे जो ग्रीनिश या ग्रेश ब्लैक होंगे, इन्होंने टर्बिनेट्स को कवर किया होगा, इन्होंने सेप्टम को कवर किया होगा, अगर हम इस क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, जब क्रस्ट रिमूव कर लेंगे तो कस्टम वगैरह रिमूव हो जाएगी, यानी जो भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह थी वो रिमूव हो गई है, अब हमें नेजल कैविटीज बहुत रूमी नजर आएंगी, बहुत वाइड नजर आएंगी, ठीक है, और फिर हमें नजर आएगा क्रस्ट क्योंकि टर्बिनेट्स को कवर कर चुके थे, जब हम क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो हमें नजर आएगा कि टर्बिनेट्स की तो एट्रोफी हो चुकी है, और इतनी एट्रोफी हो चुकी है कि हमें पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स भी नजर आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेजल म्यूकोजा पेल होगा, सेप्टल परफोरेशंस भी हो सकती हैं, वो भी आपको नजर आ सकती है, एट्रोफिक जो चेंजेस हैं वो फ्रेंजियल म्यूकोजा में भी नजर आ सकती है, फ्रेंजियल म्यूकोजा भी ड्राई नजर आ सकते हैं, उसमें भी क्रस्ट बन सकते हैं, हेयरिंग इंपेयरमेंट भी हो सकती है, ये भी किसका साइन है, हेयरिंग इंपेयरमेंट क्यों हो सकती है, क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना, मिडल ईयर फ्यूजन हो जाएगी उसके बाद, तो हेयरिंग इंपेयरमेंट भी हो सकती है, पैरानेजल साइनसिस भी आपको स्मॉल नजर आएंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे, तो ये सारे इसके साइन है। एक दफा फिर से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हिस्ट्री आपको क्या मिलेगी, सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा,
इनोस्मिया होगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगी जिसको मर्सीफुल इनोस्मिया कहते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है, एक तो क्रस्टिंग की वजह से, दूसरा उसकी सेंसरी जो नर्व्स है वो डैमेज हो चुकी है, एपिस्टैक्सिस होगा। जब आप एग्जामिनेशन करोगे आपको वाइड नेजल कैविटीज नजर आती है लेकिन उसमें इतनी ज्यादा क्रस्टिंग होती है, अगर आप क्रस्टिंग रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग होगी और ग्रीनिश ये क्रस्ट होंगे, एट्रोफी होगी टर्बिनेट्स की। और इसमें जो है अगर हम नेसोफेरिंक्स में भी हमें इसके कुछ साइंस वगैरह मिलेंगे, वहां पे भी एट्रोफी हो रही होगी। हेयरिंग इंपेयरमेंट मिल सकता है क्योंकि यूस्टिकियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन लग रही है तो हमने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट तो करना है, बट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से बात ना बनी तो फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट वो कह रहे हैं कि कंप्लीटली तो क्योर नहीं कर सकता इसको लेकिन कुछ हद तक फायदा होता है। सबसे पहले नेजल इरिगेशन, जब भी रिनाइटस और रिनोसाइनोसाइटिस और नेजल इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जितने ज्यादा क्रस्ट बने हुए हैं उनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि जब हम एल्कलेन सोल्यूशन या सिलीन को हम डालेंगे नोज में, इरिगेशन हम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो क्रस्ट जो है वो सॉफ्टन हो जाएंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। आप सोडियम सोडियम नहीं, आप सोडा बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, सोडियम बिबोरेट भी यूज कर सकते हो साथ। अब वो कह रहे हैं कि आपने केयर करनी है कि ये ना हो कि आप इरिगेशन कर रहे हो तो फ्लूड जो है वो साइनसिस में यूस्टिकियन ट्यूब में ना चला जाए, ये केयर आपने करनी है। 2 और 3 टाइम्स अ डे जो है वो इरिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, फिर एवरी 2 और 3 डेज भी सफिशियंट होती है। पहले दिन में 2 से 3 दफा, उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद भी आप कर सकते हो। जो हार्ड क्रस्ट है वो इरिगेशन से भी रिमूव नहीं होते, इनको आपको फिर क्या करना पड़ता है, इनको आप मैकेनिकली रिमूव करते हो फोर्सेप्स से। मतलब जो लूज है वो तो आप इरिगेशन करोगे खुद ही रिमूव होकर गिर जाएंगे, लेकिन जो हार्ड इनको आप फोर्सेप्स से रिमूव करते हो। और फोर्सेप्स से रिमूव करने से पहले ग्लूकोज ग्लिसरीन का सोल्यूशन यूज करना होता है। ग्लूकोज ग्लिसरीन का सोल्यूशन क्या होता है कि 25% ग्लूकोज ग्लिसरीन में होता है। इसकी मदद से क्रस्ट बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको फिर हम इजीली रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब क्रस्ट रिमूव हो गए तो क्या करना है कि नोज को पेंट कर देना, नोज पे लगा देना ग्लूकोज ग्लिसरीन का सोल्यूशन। इससे क्या होगा कि जो प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिज्म है ना इनकी ग्रोथ नहीं होगी, और इन्हीं प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमने इतने पीछे देखे थे ना, मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। बहुत सारे प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे यहाँ पर, क्लैपसिला था, प्रोटियस था, डिफ्थेरॉइड था, ईकोलाई, ये सारे प्रोटियोलिटिक हैं। जब ये नहीं होंगे तो जो फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज है वो भी नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट के लिए हम देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे। एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी होती है, फ्लोरोक्विनोलोन देनी होती है, मेट्रोनिडाजोल देनी है। तो एंटीबायोटिक्स एट्रोफिक रिनाइटिस के आपने एंटीबायोटिक्स भी याद करनी है, फ्लोरोक्विनोलोन और मेट्रोनिडाजोल। नेजल स्प्रे आप एस्टर ऑयल की यूज कर सकती हो, म्यूकोलिटिक यूज करने हैं, और पेशेंट से कहना है अपनी डाइट भी अच्छी रखें क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो जाता है। अब हमने मेडिकल ट्रीटमेंट सारा किया बट स्टिल अगर वहां पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है, स्टिल वहां पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जरी में यंग ऑपरेशन आ जाता है, एक मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन आ जाता है। यंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, यंग ऑपरेशन में ना हम नोस्ट्रिल्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसकी फिगर नहीं बनी हुई, चलिए आप इसको गूगल करके देख लेना, आई गेस बनी हुई थी, नहीं बनी हुई पिक्चर। अच्छा, यंग ऑपरेशन में क्या करते हैं कि बोथ नोस्ट्रल्स को क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको बंद कर देते हैं ताकि एयर का एयर फ्लो ही ना हो और क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनको 6 मंथ्स के बाद ओपन करना होता है। हमने 6 मंथ तक उनको क्लोज रखना, तब तक पेशेंट माउथ ब्रीथिंग ही करेगा और तब तक क्रस्टिंग बहुत रिड्यूस हो जाएगी। 6 मंथ के बाद उनको ओपन करना है। लेकिन अब हम ये भी करते हैं कि जब नेजल नोज बिल्कुल बंद हो तो फिर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होती है ना माउथ ब्रीथिंग, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। तो इस वजह से हमें फिर क्या करना है, हम आजकल जो यूज कर रहे होते हैं वो मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन है, उसमें क्या करते हैं कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो उसमें भी करते हैं लेकिन पार्शली करते हैं, पार्शली नोस्ट्रिल्स को क्लोज करते हैं, थोड़ा सा रास्ता रह जाता है ताकि कुछ हवा गुजरती रहे। ये तो कर रहे थे ना हम नेजल कैविटीज को बंद कर रहे थे। दूसरा, हम नेजल कैविटीज को बंद करने के बजाय उनको नैरोइंग भी उनकी कर सकते हैं। नैरोइंग कैसे कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई चीज उसमें ऐड कर सकते हो, लाइक आप ऑटोलोगस फैट डाल सकते हो, कोई कार्टिलेज का पीस रख दिया, कोई बोन रख दी अंडर द म्यूकोपेरियोस्टियम। अब फ्लोर पे आपने क्या किया, जो फ्लोर होता है ना उसकी पेरियोस्टियम म्यूकोपेरियोस्टियम आपने उठाए फोल्ड, उसके नीचे आपने कोई बोन का पीस या कार्टिलेज का रख दिया, या लेटरल वॉल ऑफ नोज पे आपने ऐसे किया, जिससे क्या होगा कि वो जो नेजल कैविटी है ना वो थोड़ी तंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है उसी को मीडियल मीडियली डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, उसी को मीडियल डिस्प्लेस कर दो, इससे भी क्या होगा कि नेजल कैविटी थोड़ी तंग हो जाएगी। तो ये हो गया एट्रोफिक रिनाइटिस का ट्रीटमेंट। ये बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको सारा रीड करवा दिया है, अब आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। रिनाइटिस सीका में क्या होता है, ये जो होता है ना इसमें से यूजली एमसीक्यू आ जाता होता है, ये सराउंडिंग्स की वजह से होता है। अगर सराउंडिंग्स ड्राई हो, डस्टी हो, हॉट हॉट इन्वायरमेंट में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसमें रिनाइटिस हो जाता है, उसको रिनाइटिस सीका कहते हैं। इसकी कंडीशन जो होती है वो इंटीरियर थर्ड ऑफ नोज तक ही यूजली रहती है, नेजल सेप्टम
लंग को अफेक्ट कर देगी। होता इसमें यह है कि जो सीलेटेड कोलमनर एपिथीलियम है ना, उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है, उसकी जगह स्क्वेमस एपिथीलियम आ जाती है। इसके अलावा इसमें भी म्यूसिनस ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है, क्रस्ट फॉर्मेशन इसमें भी होती है, एपिस्टेक्सिस इसमें भी होगा, और क्रस्ट रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, और इवन इसमें सेप्टल परफोरेशन भी हो सकती है। तो चीजें इसमें तकरीबन वही है एट्रोफिक रिनाइटिस वाली, क्योंकि इसमें भी एट्रोफी हो रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसके रीजन क्या है, सराउंडिंग्स। तो इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, जो सराउंडिंग्स है उनको ठीक करना है, और पेशेंट को कहना है कि आप उसको, अगर कोई ऑक्यूपेशन है तो उसको छोड़ दें, अपनी इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज करें। इसके अलावा हमने ऑइंटमेंट यूज करनी होती है, एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट यूज करनी होती है। क्रस्ट उसको मना करना है कि रिमूव नहीं करनी, वरना अल्सर बन सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद राइटस के जोजा क्या होता है, अनकॉमन सी कंडीशन है और ये यूनिलेटरल होती है। इसमें नोज में क्या होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ऑफेंसिवली डिस्चार्ज यानी फॉल स्मेलिंग प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है नोज में, और चीजी मटीरियल होता है। तो के जोजा से याद रखना है, चीजी मटीरियल होता है। अब ये क्यों होता है, अगर किसी को क्रोनिक साइनोसाइटिस है, ठीक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस के बाद क्या होगा कि उसमें चीजी मटीरियल उसके नोज में जमा होना शुरू हो जाएगा, उसका जो साइनस म्यूकोजा है वो ग्रेन्युलोमेटस हो जाएगा, उसमें ग्रेन्युलोमा बन जाएंगे, और जो साइनस की बोनी वॉल्स है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको मेलिग्नेंसी से डिफ्रेंशिएट करना फिर हमें पड़ता है, और ट्रीटमेंट इसका ये है कि जो डैबिस वगैरह उसको हम रिमूव कर दें। चलें जी, इसका सिर्फ आपको एमसीक्यू आने के चांस होते हैं, लेकिन ये जो एट्रोफिक रिनाइटिस है और ये जो हाइपरट्रोफिक रिनाइटिस है, इनको आपने डिटेल में करना है।